नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स कहता है, मैं कहता हूँ कि 10,000 दोस्त एक साथ जुड़ चुके हैं इस जॉय शेविंग चैनल पे। और आप सबका सपोर्ट है, प्यार है, इसलिए ही ये जो कुछ नंबर्स दिख रहे हैं हमें, वो दिख रहे हैं। अब मैं तो ये कहूँगा कि यार, 10,000 लोग जो शेविंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो किसी भी प्रकार की शेविंग में और परफ्यूम्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सब एक साथ इस चैनल पे आके जो है वो एंजॉय करते हैं। हम कमेंट्स भी देखते हैं और जो है काफ़ी सारे डिस्कशन भी करते हैं। बट थैंक यू सो मच दोस्तों, दिस मीन्स अ लॉट टू मी, एंड डेफिनेटली इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। आज मैं यूज़ करना चाहता हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स विच हैव केप्ट मी डाउन टू अर्थ, ओके, एंड विच आई एक्चुअली स्टार्टेड यूजिंग वेन आई स्टार्टेड वेट शेविंग और स्टार्टेड ट्रायल्स विथ वेट शेविंग, और ऐसे प्रोडक्ट से मैं आज शेव करना चाहता हूँ। लेट्स बिगिन। तो प्रोडक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले ये ब्रश है, बड़ा ही बेसिक सा हॉर्स हेयर ब्रश। इसको मैं इस पानी के मग में डिप कर लेता हूँ। ओके, वेन एवर यू यूज हॉर्स हेयर ब्रश, उसको अच्छे खासे टाइम तक डिप करके रखें, तो उससे ग्लू उसका टाइट होता है। और मैं लादरिंग भी बताऊंगा कि किस प्रकार से करना होती है हॉर्स हेयर ब्रश से, ताकि मिनिमम से मिनिमम जो ब्रिसल्स है वो शेड हो, ओके, या ना के बराबर बाल उसमें से शेड हो निकले। तो बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। विजॉन, ओके, भारत में मिलने वाला एक काफी पॉपुलर बजट शेविंग क्रीम। मैं यूज कर रहा हूँ आईसी मिंट वाला वर्जन। इसका लेमन भी आता है, क्लासिक भी आता है, ऑल परफॉर्म गुड। प्रीमियम लादर वाला भी हमने ट्राई किया था, दैट ऑल्सो परफॉर्म गुड। अ सिमिलर शेविंग क्रीम टू दिस वुड बी लेसर अल्ट्रा, विच इज वेरी वेरी नाइस इन स्लिकनेस एज कम्पेयर टू ऑल अदर पीएस इन द सेम बजट कैटेगरी। ब्लेड में यूज करने वाला हूँ। आप बोलोगे जॉय भाई नो ब्रेनर, हमें पता ही है कि आप कौन सी ब्लेड यूज करोगे, तो बताने की क्या जरूरत है। फिर भी मैं बताऊंगा, जिलेट विल्किंसन स्वॉर्ड सैलून पैक जो इंडिया में बनता है, 10+1 फ्री वाला। यस, दिस इज वन ब्लेड विच आई जो मतलब मेरे किसी और ब्लेड के साथ में कंपेयर में करता भी नहीं हूँ, क्योंकि इसकी जगह अलग ही है। दिस दिस हैज अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। इट परफॉर्म्स गुड फॉर मी, बजट वाइज, प्राइस वाइज, ड्यूरेबिलिटी वाइज अच्छी परफॉर्म करती है। शेव्स वेरी कंफर्टेबल एंड द परफेक्ट बैलेंस ऑफ शार्पनेस एंड स्मूथनेस अकॉर्डिंग टू मी, विच इज मोर ऑन अ स्मूदर साइड। एंड ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड ब्लेड, दिस इज वेरी गुड ओवरऑल ब्लेड पैकेज, मेरे को ऐसा लगता है। बट जिलेट विल्किंसन स्वॉर्ड के बहुत सारे वर्जन आते हैं, टॉकिंग अबाउट द वन विच इज अवेलेबल इन इंडिया, सैलून पैक वाला। ओके, रेजर जिलेट स्टार्लिंग, ये दोस्तों यार मैं सही बताऊं तो ना, मुझे अब याद भी नहीं है कि कितने सालों से मेरे पास है, बट आई एम इतना मेरे को श्योर है कि 15 से 17 साल से तो आराम से मेरे पास है। कोई इसमें जंग नहीं लगा, इतना तो पार्ट इसका प्लास्टिक का ही है, कोई इसमें मेटल वाले हिस्से में भी कोई जंग नहीं लगा। और मैंने क्या किया था, बीच में बस थोड़ा सा जो है वो ऑयल इसमें डाल दिया था, इसके स्क्रू वाले पार्ट में, तो इसमें वो चिर्र चिर्र पिर्र पिर्र ऐसी कोई आवाज़ भी नहीं आती, बड़े आराम से लग जाता और ये बंद हो जाता है। इसके ऐसा लेसर अल्ट्रा का भी आता है, वो इससे थोड़ा सा एफिशिएंट, थोड़ा सा हल्का सा एग्रेसिव लगता है, बट आई एम यूजिंग दिस, आई डोंट नीड एन एग्रेसिव शेव, 2 दिन की बियर्ड ग्रोथ है। एंड देन आफ्टर शेव में यूज करेंगे हम विको टर्मरिक, लेकिन उससे पहले यूज करेंगे हम ये एलम ब्लॉक। एंड अगेन थैंक्स टू शैलेंद्र जी चौहान साहब, जिन्होंने ये एलम स्टोन स्पेशली मेरे लिए कार्व किया था। सो दिस ऑल्सो हैज अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। चाहे कितने भी एलम ये वो आफ्टर शेव वगैरह सब यूज करता रहूं मैं, बट इसकी बात अलग है। ऑल्सो मैंशन द नेम्स ऑफ द पीपल हु हैव सपोर्टेड मी सो फार। ओके, एंड आइए अब शेव शुरू करते हैं। सो ब्रश जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार से मग में डिप्ड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिप हमने नहीं किया, आइडियली इसको काफ़ी, जितना ज़्यादा डिप करके रखे ना हॉर्स हेयर ब्रश को, उतना ज़्यादा अच्छा वो सॉफ्ट भी हो जाता है और परफॉर्म भी अच्छा करता है। और नाउ अगेन वन मोर थिंग, थोड़ा सा पानी चेहरे पे। ओके, आप चाहें तो स्प्रे करे, स्प्लैश करे, ब्रश से लगाए, जो मर्जी आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा करे। इफ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन देन यू कैन स्प्रे। ओके, नाउ विजॉन आइस मेल्ट शेविंग क्रीम, टी ट्री ऑयल, खुशबू अच्छी है। ओके, लगभग इतना शेविंग क्रीम, ओके, नॉट वेरी थिक कंसिस्टेंसी, इतना है लगभग।
हॉर्स हेयर ब्रश है तो शायद थोड़ा और लग सकता है, लगेगा तो ले लेंगे यार, कोई नहीं है, अपने पास ट्यूब रखी हुई है, क्यों टेंशन लेना। ठीक है चलो लादरिंग शुरू करते हैं। हॉर्स हेयर ब्रश से जब भी हम लादरिंग करेंगे ऐसे लंबे ब्रिसल वाले, तो सर्कुलर मोशंस करना अवॉइड करेंगे, बिकॉज वो जो है वो ब्रश में जटाएं बना देगा, गठाने बना देगा, और फिर वो बड़ी आसानी से टूट जाएंगे। वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर जस्ट यूजिंग दीज काइंड ऑफ मोशन, ओके, नॉट ऐसे गोल गोल नहीं घुमाना, इस तरीके से यूज करना है। दो उंगलियां जो है वो आप ब्रश पे ऐसे लगा लें, अगर आप ऐसे करेंगे ना तो पूरा फ्लॉपी फ्लॉपी होएगा, अगर आप इस तरीके से जो है वो करेंगे तो अच्छा लादर डेवलप होगा ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप ट्राई करके देखें और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी मुझसे शेयर जरूर करें। थोड़ा सा जो है वो हम लादर बना के फिर इस तरीके से पेंटिंग मोशन भी कर सकते हैं। इसमें तो है ना दोस्तों सर्कुलर मोशंस की बजाय ना, अगर मान लीजिए अपने को वॉल्यूम बढ़ाना है लादर का, तो थोड़ा सा दबा के और फिर ऐसे ऐसे करें, पानी ऐड खूब सारा कर सकते हैं हम। व्हेन वी आर यूजिंग अ हॉर्स हेयर ब्रश वी कैन ऐड एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर टू अवर क्रीम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि एक अच्छी शेव की सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो चेहरे को साफ करने से होती है, बिकॉज जितनी नरम आपकी दाढ़ी होगी उतना आसान होगा ब्लेड और रेजर को शेव करना, और उतनी कंफर्टेबल भी आपकी शेव होगी। जितना आप नरम कर सकते हैं अपनी दाढ़ी को, बियर्ड को, उतना ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हम नरम कैसे कर सकते हैं, एक तो शेविंग क्रीम के साथ में खूब सारा पानी लगा के अच्छा खासा मॉइस्चर युक्त, पानी युक्त लादर बनाएं। सेकेंड चीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार जो लादर मैंने बनाया है वो मेरे मॉइस्चराइजेशन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, तो फिर आप प्री शेव प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली यूज होते हैं भाई इसी पर्पस के लिए, विच प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन बिटवीन द ब्लेड एंड द स्किन एंड ऑल्सो एनेबल अ गुड ग्लाइड एंड स्लिकनेस फॉर द रेजर टू ग्लाइड। ओके, आई थिंक दिस लादर इज गुड। इट इज स्लाइटली एयरी बट नाइस एंड वॉल्यूमिनस। हॉर्स हेयर ब्रशेस में हमको पता है थोड़ा सा टाइम लगता है ज्यादा लादर बनने में। ओके, बट यार अब यार ये बताओ कि अब ये ब्रश कितने का, यार 30 रुपए 25 रुपए का ब्रश है यार, इससे इतना बढ़िया लादर बन गया ये ही बहुत बड़ी बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो जल्दी बनना चाहिए लादर और अच्छे ब्रशेज यूज करना, यू कैन गो फॉर सिंथेटिक्स, यू कैन गो फॉर बोर हेयर ब्रशेज ऑल्सो, वो भी नेचुरल है, उसमें भी लादरिंग का प्रॉब्लम होता है। मुझे ऐसा लगता है फॉर बजट स्टार्ट दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिल्कुल वाई नॉट। सो बार्बर शॉप्स में तो हॉर्स हेयर ब्रशेज यूज कर ही रहे हैं, सो आप कभी अगर बार्बर शॉप जाएं कटिंग करवाने, हेयर कट वगैरह लेने, तो आप जो हमारे मित्र हैं सैलून वाले उनसे जरूर पूछे कि भाई आप ये हॉर्स हेयर ब्रश क्यों यूज करते हो, सिंथेटिक वगैरह इतने सारे आ गए आप क्यों नहीं यूज कर सकते, एंड देन लिसन टू द आंसर विच दिस। ओके, और अगर आपको ऐसा कोई आंसर पता चला है कभी आप पता करने वाले हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्लेड विल्किंसन सॉ टक से मैंने निकाल ली है, मैंने रेजर को कर दिया है डिसअसेंबल। 3 पीस मेटल हेड रेजर है ये जिलेट का, जिस कॉल्ड एज जिलेट स्टाइलिंग, इसका पैक वगैरह मैंने आपको दिखा दिया है पहले ही, पहले वाली वीडियोज में। मतलब अच्छा खासा कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है विजॉन के इस शेविंग क्रीम से, आइसी मिंट, और इस तरीके से जो है वो टॉप कैप में चारों नॉचेस के बीच में मैंने ब्लेड को कर दिया है फिट। आई जस्ट विश आई कुड शो यू प्रॉपरली। ओके, इस तरीके से ये 1 2 3 4 नॉचेस के बीच में, और ये जो है वो बेस प्लेट में लगा दिया इस तरीके से, एंड अब मैं हैंडल को कर लूंगा थोड़ा सा टाइट। इसमें ओवरहैंग है बट दिस इज अ बजट रेजर। थोड़ा सा पानी में डिप कर दिया मैंने, कल में कर लेते हैं क्लियर। 10,000 सब्सक्राइबर स्पेशल शेव जिलेट स्टर्लिंग विद विल्किंसन स्वर्ड पास नंबर 1। वेरी नाइस, एफर्टलेस,
So I should mention some people who have been, you know, are very supportive to me. First of all my family members have been very supportive to me, because ये बड़ा ही अतरंगी सा एक पैशन है, अतरंगी सी हॉबी है शेविंग. हम शेविंग करके क्या दिखा रहे हैं लोगों को. सम पीपल हैव गिवन मी दैट कमेंट, तू पागल है क्या, शेविंग कोई करता है क्या वीडियो में. मैं तो बोले अपने घर पे बाथरूम में तभी दरवाजा बंद करके शेविंग करता हूँ, तू वीडियो में सबके सामने शेविंग कर रहा है. मैंने कहा ओके भाई, चेहरे की तो कर रहा हूँ ना. और उसके बाद में बट माई फैमिली हैज बीन वेरी सपोर्टिव टू मी, एंड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हैव यू नो गिवन मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन. So, I'll start with the start. Kartikeya Mishra ji has been very supportive to me. Then Mr. S.S. Chauhan, very nice, very supportive, always very enthusiastic personality. श्री अमित कलंबे जी, ही इज ऑल्सो वेरी 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 इन डेप्थ इन टू शेविंग फ्रॉम अ प्रोफेशनल स्टैंड पॉइंट ऑल्सो एंड एज अ वेट शेविंग एंथुजियास्ट ऑल्सो. आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक सत्ताधार स्टोर्स, बिकॉज आई हैव हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग डिस्कशंस विद देम ऑन डिफरेंट शेविंग प्रोडक्ट, शेविंग एस्पेक्ट्स, मॉडर्न वर्सेज ट्रेडिशनल वेट शेविंग एंड डिफरेंट शेविंग पैराफेरनालिया, काफ़ी सारे डिस्कशंस किए हमने. सो फुमकिया अंकल का भी मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ. वन ऑफ द अर्ली सब्सक्राइबर्स ऑफ जॉय शेविंग चैनल जॉय घोष, आई कैन नेवर फॉरगेट हिम. And then there are quite a lot of subscribers या friends कह सकते हैं, viewers कह सकते हैं, मैं तो friends कहता हूँ. But yeah, a lot of them, some of them actually didn't, maybe वो देखते हैं video but comment नहीं करते अब, पता नहीं. But yeah, Joy Ghosh has been very consistent in commenting, so I must really appreciate that. All my friends in Indian wet shavers, यार मैं तो मतलब I would always be highly indebted to my friends in Indian wet shavers. They have been very very supportive, even in difficult times, trying and testing times, they have been very supportive. We had some issues in Indian wet shavers also, and we resolved that very successfully. Some people left, some people stayed back. And I really appreciate those who stayed back. So I have no grudge against people who left Indian wet shavers. That is their choice. I wish them keep up the good shares. मैं अपने जो critics हैं उनको भी बड़ा thankful हूँ, because आप जो है खामियाँ निकालते हैं वीडियो में, तो उससे हमें वीडियो इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. हम कोशिश करते हैं कि भैया वो खामियों को हम कम से कम कर सकें. सो आपका भी मैं बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ. एंड इन रिसेंट टाइम्स रजत बजाज भाई हैज सपोर्टेड मी अ लॉट ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, जस्ट नॉट शेविंग बट ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, एंड आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम एज वेल. सो लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी इफ आई मे हैव मिस्ड समवन, तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट में बोल सकते हो जॉय तो मेरा नाम कैसे भूल गया. बट यस, रियली थैंकफुल टू ऑल माय फ्रेंड्स हु हैव सपोर्टेड मी, फैमिली मेंबर्स. जिगर भाई गोरेचा, आपको याद होगा एक बहुत ही प्यारा सा प्रोडक्ट, अब तो वो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, बट एक बहुत ही प्यारा सा जो है रेजर आया था बीच में, जो हाफ ब्लेड लेता था, विश्व रेजर, बोथ इन क्लोज कॉम एज वेल एज ओपन कॉम. सो गोरेचा अंकल एंड जिगर भाई आर द इन्वेंटर्स ऑफ दैट. आई विश वो वापस से
मैन्युफैक्चर करे रेजर्स। एंड ऑल द गुड फ्रेंड्स यार, ऑल गुड फ्रेंड्स रियली, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। ओके, सेकेंड पास के लिए लादरिंग हो गई, अब शेव कर लेते हैं। ऑल राइट, मैं वही करूंगा जो मैं प्रिफर करता हूँ। वैसे मैं वन पास विद द ग्रेन प्रिफर करता हूँ, अगर मैं सेकेंड पास भी करता हूँ तो काफी बार विद द ग्रेन ही करता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर दैट अगर कहीं का कोई स्टबल थोड़ा सा छूट गया हो तो वो भी शेव हो जाए पास नंबर टू में। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर आपको सेकेंड पास थर्ड पास की जरूरत ना हो तो जबरदस्ती ना करें, क्योंकि स्किन को हील होने में भी टाइम लगता है दोस्तों। उसको भी आपने स्क्रेप करा है कि कितना भी आप प्रीशेव लगा ले, कुछ भी कर ले, थोड़ा थोड़ा स्किन सेल स्क्रेप होते हैं, तो वो रिकवर कैसे होंगे? वो टाइम के साथ ही रिकवर होंगे। तो अपनी बॉडी को टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए। अगर वो टाइम के पहले ही आप फिर से शेव कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर काफी लंबे टाइम तक चलती है प्रॉब्लम। डोंट गेट इनटू दैट स्किन प्रॉब्लम ट्रैप। सेफेस्ट वे टू शेव इज विद द ग्रेन। आप फाइंड करो, ग्रेन मैपिंग वीडियो देखो, ठीक है, पता करो कि आपके बालों की ग्रोथ की डायरेक्शन क्या है और इस हिसाब से विद द ग्रेन शेव करो। मुझे तो कुछ प्रोडक्ट्स टेस्ट करने रहते हैं, इसके लिए मैं अगेंस्ट द ग्रेन वगैरह शेव करता हूँ। बाकी इफ आई वुड हैव नॉट क्रिएटेड द वीडियो वगैरह ना, तो मैं अगेंस्ट द ग्रेन कोई शेव नहीं करता। मैं प्रॉबेबली रोज वन पास विद द ग्रेन सुबह करता, दैट्स इट। डेडिकेशन वाइज यार, आई वांट टू डेडिकेट दिस शेव टू द कॉमन इंडियन वेट शेवर। ओके, हम लोग काफी अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, पार्कर, पर्ल, हजामत, रोमर 7, ओके, बिकॉज सम ऑफ अस और मेनी ऑफ अस हैव एक्सेस टू दीज प्रोडक्ट्स, बट अ लॉट ऑफ अस स्टिल डोंट हैव एक्सेस टू दीज प्रोडक्ट्स। एंड नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस, बट बिकॉज ऑनलाइन नहीं ले पाते हैं, डिलीवर नहीं हो पाता है। वैसे तो ये प्रॉब्लम्स काफी कम हो गए आजकल, बट स्टिल ऐसा होता है। सो आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस शेव टू एनी कॉमन वेट शेवर हु इज न्यू, हु इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर वेट शेविंग एंड हु इज यूजिंग वेरी वेरी कॉमनली अवेलेबल प्रोडक्ट्स लाइक द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक के रेजर्स वगैरह या इस तरीके का रेजर। सो मैं चाहता हूँ कि यार द वेट शेवर हु इज स्टैंडिंग इन द लास्ट इन द क्यू ऑफ वेट शेविंग, उसकी शेव भी इम्प्रूव होनी चाहिए, उसको भी शेविंग करते वक्त एंजॉयमेंट होना चाहिए। देन आई वुड फील कि हाँ यार, मेरा जो ये चैनल शुरू करने का जो उद्देश्य था वो सफल हुआ। एवरी पर्सन इंटरेस्टेड इन शेविंग शुड फाइंड सम गुड कंटेंट ऑन दिस चैनल, यही मेरा एम है। ट्रेडिशनल वेट शेविंग करते हैं बहुत अच्छी बात है, उसको हम सपोर्ट करते ही हैं। अगर आप नॉर्मल शेविंग भी करते हैं तो भी आपको काफी सारी अच्छी चीजें सीखने को मिल सकती हैं इस चैनल से, बशर्ते आप वीडियो देखें। वीडियो देखेंगे नहीं, अरे ये क्या ये क्या, फिर भूल जाओगे। पर चेहरा मेरा ऑलरेडी गीला है, मैंने वॉश कर लिया है शेविंग के बाद में, अब मैं एलम अप्लाई कर रहा हूं। आप किसी भी तरीके से शेव करो, कुछ भी करो, कैसा भी फील होने दो शेविंग के टाइम पे, सच्चाई तभी पड़ता पड़ती है जब आप एलम लगाते हो। एलम इज लाइक द आई ओपनर, द ट्रूथ रिवीलर, द लिटमस टेस्ट ऑफ स्मूथनेस ऑफ द शेव। आज की शेव के बाद में मुझे हल्का सा इधर टिंगलिंग से थोड़ा ज्यादा महसूस हो रहा है एंड इधर लग रहा है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज आई नो दिस इज द ट्रबल स्पॉट फॉर मी। ओके, शेव इज नॉट अ BBS डेफिनेटली, बट आई वुड स्टिल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू दिस शेव। सम शेव वी एंजॉय एंड सम शेव गिव अस लर्निंग। लर्निंग वाले शेव जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे ख्याल से। सो एलम रख लिया हमने 30-35 सेकेंड, अब इसको वापस से वॉश कर लेता हूँ। अब आफ्टर शेव वीको टर्मरिक, वन ऑफ माई फेवरेट
पोस्ट शेव रूटीन क्रीम्स। आई मीन हल्दी चंदन से बेटर और क्या हो सकता है यार। बहुत बढ़िया। हाँ वेरी नाइस। टर्मरिक एंड सैंडलवुड सेंट। टर्मरिक की ज्यादा खुशबू आती है इसमें, सैंडलवुड की थोड़ी कम है पर है। बट ओवरऑल आई लाइक दिस, ये काफी पसंद है ये। सो गुड यार, गुड शेव। अब बहुत ज्यादा कोई क्लीन शेव नहीं हुई बट स्टिल आई एम हैप्पी विद इट। ओके अब अभी 2-3 दिन बाद वापस शेव करना ही है ना, फिर क्या है। बट यार दोस्तों थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे इस वेट शेविंग की जर्नी में धोखा दिया। ऐसा काफी बार हुआ दोस्तों, ऐसा बड़े ही डिसहार्टनिंग मोमेंट्स आए हैं मेरे वेट शेविंग जर्नी में, विच वर वेरी पेनफुल। बट आई रियलाइज कि यार मैं उन लोगों को भी थैंकफुल इसलिए हूँ बिकॉज यार उन लोगों के कारण मुझे सीखने को मिला कि इंसान की परख कैसे की जा सकती है। और एंड यू मेड मी स्ट्रांग, रियली यू गाइज हैव मेड मी स्ट्रांग। दोज पीपल हु हैव डिज्ड मी, ब्लव्ड अगेंस्ट मी, एंड जिन लोगों ने मेरे से धोखाधड़ी की उन लोगों ने मुझे स्ट्रांग बनाया रियली। सो आई एम रियली थैंकफुल टू दोज एज वेल। बट यार ओवरऑल दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस चैनल। हम कंटिन्यू करते रहेंगे अपनी वेट शेविंग जर्नी को, शेविंग जर्नी को और परफ्यूम्स एंड अदर जर्नी को। आई वुड ऑलवेज वॉन्ट यू टू एन्जॉय दिस हॉबी एंड यू नो डेडिकेट सम टाइम फॉर योर सेल्फ। आप जिस तरीके से एन्जॉय करना चाहते हैं एन्जॉय करें, बट स्ट्रेस फ्री रहें, रिलैक्स रहें और अपने कार्य में अपने जीवन में अच्छी प्रगति करें, यही मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ। आइए इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे दोस्तों। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स, आई वुड से 10,000 फ्रेंड्स ऑन जॉय शेविंग चैनल। ऑलवेज 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 स्टे स्माइलिंग, कीप अप द गुड शेव। बाय और नमस्कार।